घर बेच के आई है, जेवर लेके आई है, ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं, जेवर ये है, मेरी मम्मी के हाथ की निशानी है तो मैं ये नहीं छोड़ सकती थी। माँ माँ होती है, उनकी निशानी उनकी, वो यहाँ पहना करती थी, आज मैं पहनती हूँ तो वो मैं नहीं छोड़ सकती थी। वो मम्मी पापा मेरी जान थे, बाकी कोई जेवर मैं नहीं लेकर, ना ही कभी मुझे हैदर ने अंगूठी बनवा के दी थी। घर मेरा था, मैंने मेहनत, मतलब वो मुझे देते थे खाने के लिए, मैंने जोड़ जोड़ के लिया तो वो मैं देकर। मेरा चेंज हो गया है, आप लोग ही बुला रहे हो। मैं तो सीमा सचिन हूँ, सीमा ठकुरायन हूँ, ठकुरायन नहीं आई सर, मैं नेपाल की बॉर्डर से आई हूँ। जो नेपाल का बॉर्डर और पाकिस्तान रिलेशन बहुत, उसके इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसी बॉर्डर से आई हूँ। पाकिस्तान के बॉर्डर से आना नामुमकिन है किसी का भी। जिस प्रदेश में आप हैं, योगी का प्रदेश कहा जाता है और योगी के नाम से लोग, पाकिस्तान के लोग डरते हैं। बिल्कुल, और मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे यहाँ की नागरिकता दें, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। अब उनकी मर्जी, मुझे मरने के लिए वापस भेज दें या जीने के लिए यहाँ रहने। सर ये बात मत करें, इस बात में रो दूंगी तो लोग कहेंगे कमजोर हो रही है। बहने को भूलने वाली चीज नहीं है सर, बहने बहने होती है। ये हाथ में किस तरीके से लगा, थोड़ा सा बताएं इसके पीछे का क्या? इनकी मोहब्बत है, इतना कहूंगी, इनकी मोहब्बत है, बस इतना कहूंगी। में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बात होती है कि उनको पीएम बनाया जाए, आप क्या कहेंगे? मुझे इतना नहीं पता सर, और इतना पता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मोदी जी के दोस्त हैं, उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं। हाँ, इमरान खान के कारण थोड़ी दूरियां हो गई। आपको लेकर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या कहोगे? सर फोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ के लोग सब खुश हैं, यानी कि सब चाहते हैं कि ये यहाँ पर ही रहे। और मैं मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर करना चाहता हूँ, मोदी जी से और योगी जी से, कि यहाँ के ऐसे नागरिक। सचिन सीमा हैदर हमारे साथ में है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सचिन, सबसे पहले आपसे बात, प्यार को पाने के बाद कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत चिंता भी है। जब पूरे हम एक हो जाएंगे, खुशी तो तब मनाएंगे, दुनिया देखेगी, भारत देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, जब पूरी तरह से क्लियर हो जाऊंगी और हम तब खुशी मनाएंगे सर। वैसे भारत के लोग तो आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, बहुत थैंक यू वेरी मच इन लोगों का, सबका धन्यवाद। खुशी फिर भी तब होगी, पूरी तरह खुश हम तब होंगे, अब तो ये आधी अधूरी खुशी है जो आप लोग देख रहे हैं। सात समुंदर पार आते समय जिस तरीके से आपने ये जज्बा दिखाया है, आपको क्या लगता था कि कभी थोड़ा सा डर नहीं लगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मामला था ना? डर तो था, पर इनका साथ था वो बहुत है। वहाँ वहाँ घुट घुट के जीने से अच्छा था, या एक बार मर जाओ या एक बार ही जी लो, वही हुआ। क्या लगता है कि योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़कर प्रार्थना, निवेदन करता हूँ कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी देंगे हम, और अच्छा खान सीन रहन सहन अपना अच्छे से घर गुजारे। जिस प्रदेश में आप हैं, योगी का प्रदेश कहा जाता है और योगी के नाम से लोग, पाकिस्तान के लोग डरते हैं। बिल्कुल, और मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे यहाँ की नागरिकता दें, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। अब उनकी मर्जी, मुझे मरने के लिए वापस भेज दें या जीने के लिए यहाँ रहने दें। थैंक यू सर, यही कि मुझे नागरिकता दे दें, मेरे बच्चे स्कूल जा सकें। थैंक यू सर। बस सचिन, ये हाथ में किस तरीके से लगा, थोड़ा सा बताएं इसके पीछे का क्या? इनकी मोहब्बत है, इतना कहूँगी, इनकी मोहब्बत है, बस इतना कहूँगी। पबजी बहन, अब भी खेल रहे हैं लोग भारत में, अब भी खेल रहे हैं सर। मैं पहली तारीख को रोल पास लिया था नया, परमिशन ना कर पाई। यहाँ के लोग आपको बहुत स्नेह कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं से हमने बातचीत की तो वो मतलब एक यहाँ का जो स्वागत में गाना गाया जाता है उससे आपको संबोधित किया जा रहा है, क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, मन से इज्जत है उनकी मेरे दिल में, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं मैडम, क्या कहेंगे उनके लिए? उनको भी थैंक यू वेरी मच। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर क्या राय है, क्योंकि मोदी की सरकार जब से भारत में आई है तब से पाकिस्तान जो नीच हरकतें करता था सीमा पर, और उसी सीमा को पार करके आप आ गए। मैं उसी सीमा को पार करके नहीं आई सर, मैं नेपाल की बॉर्डर से आई हूँ। जो नेपाल का बॉर्डर और पाकिस्तान रिलेशन बहुत, उसके इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसी बॉर्डर से आई हूँ। पाकिस्तान के बॉर्डर से आना नामुमकिन है किसी का भी। मोदी को लेकर क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं इनके देश में, वो इस तरह अच्छा देश चला रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बात होती है कि उनको पीएम बनाया जाए, आप क्या कहेंगे? मुझे इतना नहीं पता सर, और इतना पता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मोदी जी के दोस्त हैं, उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं। हाँ, इमरान खान के कारण थोड़ी दूरियां हो गई। एक बार जय श्री राम। मैं अपनी जय श्री राम, जय श्री राम, जय, आप जय श्री राम, जय श्री राम, और राधे राधे, राधे राधे।
सचिन, जहाँ आप नौकरी करते थे, जहाँ पे आप नौकरी करते थे, अब वहाँ की प्लानिंग क्या है? वहाँ की देखते हैं, अगर जिस तरीका की ड्यूटी मिलेगी वो। मैडम, भविष्य में क्या आप लोग डिजिटल मीडिया में आना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे कपल्स आ रहे हैं? मैं तो आऊंगी, इनका पता नहीं। साथ में तो लेके आइए ना, बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं, इनको पीछे खड़ा करके आगे मैं आऊंगी। अब देखा जाए तो उनके मिलियन फॉलोवर हैं यूट्यूब पे, तो क्या कभी बनाएंगे यूट्यूब बनाएंगे? अभी फोन ना है तो अभी ठीक है, हमारे नाम से लोग और बना रहे हैं, अभी उनको फेमस होने आय का जरिया, क्योंकि सचिन आपके साथ आए हैं तो खर्च तो जरूरी है ना परिवार का, तो अगर आप डिजिटल मीडिया में आएंगे तो जो लोग दिल्ली से अलग जगह से देखने आ रहे हैं उनको आसानी होगी। बिल्कुल आऊंगी, फोन तो लेने दीजिए सर, अभी फोन ही ना है। एक रूमर उड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सीमा जो है, मैडम 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 मैडम, ये पैसे लेकर के घर बेच करके आई है, जेवर लेकर के आई है, इस तरह से कहा जा रहा। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि घर बेच के आई है, जेवर लेके आई है, ऐसा है? कुछ भी नहीं, जेवर ये है, मेरी मम्मी के हाथ की निशानी है तो मैं ये नहीं छोड़ सकती थी, माँ माँ होती है उनकी निशानी, उनकी वो यहाँ पहना करती थी, आज मैं पहनती हूँ तो वो मैं नहीं छोड़ सकती थी, वो मम्मी पापा मेरी जान थे, बाकी कोई जेवर में नहीं लेकर, ना ही कभी मुझे हैदर ने अंगूठी बनवा के दी थी, घर मेरा था, मैंने मेहनत, मतलब वो मुझे देते थे खाने के लिए, मैंने जोड़ जोड़ के लिया तो वो मैं देकर आ गई। मेरा आखिरी सवाल, आपको वहाँ किसी को याद आती है? मेरा चेंज हो गया है, आप लोग ही बुला रहे हो, मैं तो सीमा सचिन हूँ, सीमा ठकुरायन हूँ, ठकुरायन बोला वो भी अच्छा है। आखिरी सवाल, आपको घर की याद आती है? हाँ, घर की बहनों की याद आती है? सर ये बात मत करें, इस बात में रो दूंगी तो लोग कहेंगे कमजोर हो रही है, बहनें कोई भूलने वाली चीज नहीं है सर, बहनें बहनें होती हैं। धन्यवाद मैम। सचिन मोचो पे ताव दे रहे थे, अब गांव में आप अम्बेसडर हो गए हो, आपको लेकर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या कहोगे? सर फोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ के लोग सब खुश हैं, यानी कि सब चाहते हैं कि ये यहाँ पर ही रहे, और मैं मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर करना चाहता हूँ, मोदी जी से और योगी जी से, कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और हम अपना